हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ हैदराबादी बघारा बैगन, जो हैदराबाद का बहुत ही फेमस डिश है। चाहे शादी पार्टी कुछ भी हो, इसे ज़रूर बनाया जाता है। ये बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही यम्मी है। ऐसे टेस्टी सब्जी के लिए मैंने लिए छोटे साइज़ के 1/2 kg बैगन, 2 स्पून तिल ली, 1 स्पून सूखा नारियल, 2 स्पून मूँगफली, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, लहसुन की कलियाँ, हरी मिर्च, इनको मैं भून के पेस्ट बना लूँगी। फिर उसके बाद तेल है, 2 टमाटर है, धनिया पत्ती, 2 प्याज, करिया पत्ती, नींबू साइज़ इमली, फिर 1 स्पून जीरा, सरसों, मिर्ची, हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर और 2 टमाटर, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट है। सबसे पहले मैं इन मसालों को भून लूँगी। मैंने कढ़ाई रखा है, जैसे कढ़ाई गर्म हो गया उसमें मैंने डाला है 2 स्पून मूँगफली। 2 स्पून मूँगफली डाल के मैंने थोड़ा सा भून लूँगी। फिर उसके बाद मैंने इसमें डाला है 2 स्पून तिल्ली, 2 स्पून तिल्ली डाल के, फिर उसके बाद मैं उसमें डाल रही हूँ सूखा नारियल डाल के मैं इनको अच्छे से सूखा भूनूंगी। जब ये भून जाएगा, ये ठंडा होने के बाद मैं इनका फाइन पेस्ट करूँगी। इसी मसाले से हमारे ग्रेवी में एक थिकनेस भी आएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। मैंने इनको ठंडा करके मिक्सी के जार में डाल लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन की कलियाँ, फिर उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के, फिर मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्च। एकदम चिकना पेस्ट बनाना है। पेस्ट बनके रेडी है। अब मैंने कढ़ाई में डाला है तेल, इसमें मैं बैगन को डीप फ्राई करूँगी। बैगन को मैंने पहले ही काट लिया था, जैसे हम लोग भरवा बैगन या स्टफ ब्रिंजल बनाते हैं सेम वैसे हमें इसको कटिंग करके नमक वाले पानी में डाल के रखना है। नमक वाले पानी में डाल के रखने से बैगन काले नहीं पड़ते हैं। इसके लिए बैगन छोटे साइज़ के चूज़ करने और एकदम फ्रेश बैगन चूज़ करने, तभी इसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी रहेगी। अगर हम लोग बड़े वाले बैगन लेंगे तो वो वाला टेस्ट नहीं आएगा जो एक्चुअल में बघारा बैगन का जो टेस्ट आता है। अब ये बैगन फ्राई हो गए, मैं इनको निकाल ले रही हूँ। अब मैं बाकी बचे बैगन को भी फ्राई कर लूँगी। ये बैगन की सब्ज़ी किसी के भी साथ खाओ, इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। चाहे चावल हो, नान हो, रोटी हो, पराठा हो, बहुत ही टेस्टी लगेगा। अब मैंने उस कढ़ाई में से बाकी का तेल निकाल लिया है, निकाल के अब मैंने सिर्फ इसमें 2 स्पून ऑयल डाला है। फिर उसके बाद मैंने इसमें 1/2 स्पून सरसों, 1/2 स्पून जीरा डाल के, जैसे थोड़ा सा गर्म हो गया इसमें मैंने 2 जो प्याज थे उनको बारीक चॉप कर लिया, चॉप करके मैंने इसमें डाल दिया डाल के। अब मैं इसमें डाल रही हूँ करिया पत्ती। जब प्याज थोड़ा सा भुन गया, करिया पत्ती मेन है, हमें करिया पत्ती स्किप नहीं करना है, करिया पत्ती थोड़ी सी ज़्यादा डालनी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर का पेस्ट। टमाटर को मैंने दरदरा पीसा है, एकदम चिकना नहीं पीसा है। आप चाहो तो इसको बारीक चॉप भी कर सकते हो। अब मैं इसको तब तक भूनूंगी जब तक कि टमाटर और प्याज अच्छे से भुन ना जाए। अब ये टमाटर प्याज भुन गया है। अब इसमें मैं फल्ली, तिल्ली और नारियल का जो पेस्ट हमने बना के रखा था उसको मैंने डाला है। डाल के मैं इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर रही हूँ तब तक जब तक कि ये कम्प्लीटली भुन ना जाए और साइड में थोड़ा सा तेल ना छूटे। मसाला हमारा भुन गया, इसमें मैं बाकी के मसाले डाल रही हूँ। मैंने 1/2 स्पून हल्दी, 1/2 स्पून मिर्च पाउडर और 1 स्पून धनिया पाउडर डाला। हमने ग्राइंड करते समय भी 2 मिर्च डाले थे, तो आप मसाला मिर्च पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ऐड कर लेना। अब ये मसाला अच्छे से भुन गया। अब मैं इसमें इमली का पल्प डाल रही हूँ। इमली मैंने नींबू की साइज़ जितना लिया है। आप खट्टा ज़्यादा पसंद करते हो तो थोड़ा ज़्यादा डालना, अगर कम पसंद करते हो तो थोड़ा इमली की क्वांटिटी कम कर लेना। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। पहले मैंने 1/2 ग्लास पानी डाला, अब मैं इसमें 1 ग्लास और पानी डाल रही हूँ। पानी मैंने इसमें पूरा 1.5 ग्लास इस्तेमाल किया है। पानी डाल के अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके इसे मैं ढक के तब तक पकाऊंगी जब तक कि इसमें उबाल नहीं आएगा या ग्रेवी थोड़ी सी थिक ना हो जाएगी। बाद ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो गई है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना, मैंने 1/2 स्पून नमक डाला है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बैगन। बैगन हमारे पहले से फ्राइड है तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बैगन डाल के मैं सिर्फ इसे 2-3 मिनट तक और पकने के लिए रख दूंगी। ये सब्जी की टेस्ट ही थोड़ी सी खट्टी, थोड़ी सी स्पाइसी, बहुत ही यम्मी लगती है। अब मैंने इसे ढक दिया है, मैं इसे चेक कर रही हूँ 3 मिनट बाद। 3 मिनट हो गए हैं, सब्जी थोड़ी सी थिक भी हो गई, बैगन भी अच्छे से पक गए हैं। अब इसकी कंसिस्टेंसी भी परफेक्ट है। अगर आपको सब्जी थोड़ी सी और गाढ़ी चाहिए तो 1.5 ग्लास पानी की जगह आप 1 ग्लास पानी इस्तेमाल करना। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 स्पून गर्म मसाला, धनिया पत्ती। उसके बाद 1 मिनट तक गैस पर रख दूंगी। बस हमारी टेस्टी सब्जी बनके रेडी है। आप भी इसे बनाइए। अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।